subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बीच चौराहे पर सड़क में गड्ढा बना, मुसीबत, हो रहे आज दिन हादसे। मथुरा के जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बीच सड़क में गहरे गड्ढे होने से आज दिन हादसे हो रहे हैं। आपको बताते चले कि मथुरा के जमुना पार क्षेत्र में लक्ष्मी नगर चौराहे का मुख्य चौराहा है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े वाहन आज दिन काफी संख्या में इस चौराहे से होकर बाहर गुजरते हैं, लेकिन इस चौराहा पर बीचों बीच गड्ढा होने के कारण आज दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। कभी इस गड्ढे की वजह से कोई बड़ा वाहन पलट जाता है, तो कभी इस गड्ढे से बचने के चक्कर में किसी दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। सड़कों की टूटी फूटी हालत, बीच सड़क और चौराह पर गड्ढे बढ़ने से आज दिन हादसे हो रहे हैं। गौरतल है कि स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार इस गड्ढे को भरवाया जा चुका है, लेकिन इससे घटिया माल लगाया जाता है, जिसके कारण चार दिन बाद भी दोबारा से इसकी बही की बही हालत हो जाती है। जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा में दूर दराज से तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं लोग, जो जमुना पार एक्सप्रेस वे के कट से होकर इस लक्ष्मी नगर चौराहे से गोकुल महावन मथुरा में दर्शन के लिए आते हैं। इस चौराहे से गुजरने वाले यात्री भी इस गड्ढे की वजह से काफी परेशानी का सामना करते हैं। इससे संबंधित किसी भी अधिकारियों का इस ओर कतई ध्यान नहीं जा रहा है। पार में ये हमारा लक्ष्मी नगर का मेन चौराहा है। ऐसे चौराहे शहर में तीन चार हैं, पूरे शहर में, पूरे मथुरा महानगर में, नगर निगम क्षेत्र में, उनमें से एक चौराहा है ये, और इसकी बड़ी दुर्दशा है। यहाँ पर हम देखते हैं रोजाना के यहाँ तमाम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इस पर बहुत हैवी वाहन दिन और रात चलते हैं, बड़े बड़े वाहन जो है लाइन लगा के चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं। और ये मथुरा तीर्थ स्थान है, सप्तपुरियों में से एक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है, और ये बहुत नाम है इसका। और यहाँ पर लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष यात्री यहाँ आते हैं इस चौराहे पर, आगे गोकुल के लिए, महावन के लिए, लोहवन के लिए, और ये यहाँ दुर्वासा ऋषि के लिए, यहाँ से जो यहाँ के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं, यहाँ राधा रानी का भी रावल में है, तो वहाँ सब आना जाना इनका होता है। और यहाँ से परिक्रमा भी, 84 कोस की परिक्रमा भी यहाँ से कई गुजरती हैं, और यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ आप देखिए, ये पीडब्ल्यूडी ये उसकी जो रोडें हैं यहाँ पर, वो इतनी खराब स्थिति में है कि यहाँ पर कभी बरसों बरस हो गए, यहाँ कभी गड्ढे ही नहीं भरे जाते, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, और उनमें वाहन को बचाने में और वाहन को निकालने में ही ऐसा कुछ भी हो जाता है कि पता नहीं किसमें दे मारे, कहाँ किसको लग जाए, चाहे वो वाहन सवार हो, चाहे पैदल यात्री हो, चाहे साइकिल यात्री हो, चाहे कोई परिक्रमार्थी हो, चाहे कोई तीर्थ यात्री हो, चाहे जब जा रहा होता है कहीं और वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, ऐसी स्थिति कर रखी है। और ये जो रोड है, ये आपका ये हाईवे यहाँ NH मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे से जो ये यहीं से इसको ले लीजिए रोड को, और ये यहाँ गोकुल बैराज की तरफ जाता है। एक रोड जो है ये पूरा बरेली से भरतपुर की तरफ जाता है, और ये यहाँ से इसका सबका लिंक है। ये यहाँ ये गड्ढे हो रहे हैं, ये इसमें आता है यमुना एक्सप्रेस वे टू, ये बैराज होकर के आगे निकल जाता है। कहीं भी इसका बनाई किसी ने भी हो, इसका रखरखाव वर्तमान में PWD के प्रांतीय खंड के पास है। मेरे पास उनके लिखित पत्र हैं कि उसकी हम मरम्मत करेंगे, और इसका इतना बेहाल है कि पूरी रोड पर, और इस तरह की स्थिति, चौराहे की स्थिति, चौराहे ही है ये, और इसका सौंदर्यीकरण की योजना है, इस पर पैसा भी बहाया गया है। यहाँ पर 100-100